नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। तो सबको पता है रिसेंटली सलमान भाई की एक नई मूवी रिलीज हुई है, टाइगर 3। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इस मूवी में, लेकिन फिर एक दोस्त ने बोला कि भाई चलते हैं, तो मैं बोला चल फिर आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तब वो मूवी मैं देखने नहीं गया होता तो आज ये वीडियो मुझे नहीं बनाना पड़ता। आई एम नूब। मैं गया मूवी देखने, फिर मैं बोला कि भाई ये तो टट्टी है। मूवी में तो मुझे घंटा मजा नहीं आया, लेकिन फिर मेरे को मालूम पड़ा कि ये मूवी स्पाई यूनिवर्स का एक मूवी है। स्पाई यूनिवर्स मतलब मार्वल यूनिवर्स का ही एक सस्ती सी कॉपी है। फर्क बस इतना है कि उनके पास बजट ज़्यादा है और उनके पास सुपर हीरोज है, और हमारे पास बजट तो है ही नहीं। लोग डिलक्स लेके सलमान भाई को मारने आते हैं। हमारे पास सुपर हीरोज के बदले रॉ एजेंट्स है। इस यूनिवर्स की हर मूवी की एक ही स्टोरी है और चार पांच कैरेक्टर्स है। स्पाई यूनिवर्स की अब तक की मूवीज थी, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3। हालांकि इन सारी मूवीज में कुछ भी रिलेट नहीं है कुछ कैमियोज के अलावा बस। इस यूनिवर्स में स्टोरी लिखने के लिए राइटर्स के पास खाली 3 वर्ड है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, रॉ, ISI, बात खत्म। समझ रहे हो ना? इस मूवी की स्टोरी मुझे पहले 20 मिनट में मालूम पड़ गई थी, क्योंकि हर स्पाई मूवी का एक ही स्टोरी होता है। मूवी के स्टार्टिंग में सलमान भाई की एंट्री होती है, थोड़ा म्यूजिक होता है, हाइप बनती है, लोग चिल्लाते हैं सलमान भाई की एंट्री पे, और फिर एक घटिया VFX वाली फाइट होती है, और एक किक मूवी का एक सीन आ जाता है, और फिर सलमान भाई का जासूस उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे साथ एक ISI की गद्दार जासूस है, और फिर कैट आती है, और फिर होता है थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग। बस वही मेरे को मालूम पड़ गया कि कैट ही वही है। कैटरीना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की, तेरे कुत्ता ने बना दिया ना तो मेरा नाम सलमान। कैट ने विक्की भाई के साथ शादी क्या कर ली, उसको तो मूवी में भी गद्दार बना दिया। समझ रहे हो ना? और फिर वही टिपिकल स्पाई मूवी वाला सीन, हीरो के कोई फैमिली मेंबर को किडनैप कर लेते हैं, फिर हीरो को ब्लैकमेल किया जाता है, और फिर हीरो उसके लिए जेम्स बॉन्ड और स्पाइडरमैन की कॉपी करते हुए एक बॉम्ब चुराता है, ये खेल हाथों का नहीं, और उसको देता है, और फिर हीरो को कर लिया जाता है अरेस्ट, और बस हो गया इंटरवल। और फिर इंटरवल के बाद हीरो को जेल में बहुत टॉर्चर किया जाता है, और फिर हीरो के हाथ में आती है कुछ ऐसी चीज़ जिससे वो जेल तोड़ के बाहर निकल सके। और सोचो इस मूवी में सलमान भाई के पास क्या आया होगा। यहाँ पे सलमान भाई के हाथ में आता है एक टॉर्च। अब सोचो टॉर्च लेके कोई जेल से कैसे भाग सकता है। आफ्टर ऑल इट्स अ सलमान खान मूवी, तो कुछ भी हो सकता है। सलमान भाई एक टॉर्च में से सेल निकालते और दो कैपेसिटर निकालते और कैपेसिटर को सेल के आगे लगा के और फिर थोड़ी सी क्ले लगाते और फिर दीवार पे रख के उसको ब्लास्ट हो जाता है। सलमान खान कुछ भी। और फिर सलमान भाई किले की छत पे भाग जाते हैं, और फिर वही टिपिकल स्पाई मूवी वाला सीन, विलन्स घेर लेते हीरो को, हीरो के पास कोई रास्ता नहीं है, और फिर आउट ऑफ नोवेयर एक रोप पे आता है किले के ऊपर से, जिसमें लटक के आता है पठान, और वो एक बॉल फेंकता है जिसमें म्यूजिक बज रहा है, और फिर वो सलमान भाई को लेके जाता है, और फिर एक ब्रिज पे फाइट होती है जैसे पठान में हुई थी। पूरी मूवी में मुझे पठान का कैमियो एक अच्छा लग ही रहा था, लेकिन फिर 3 बंदे HF डिलक्स लेके पठान और टाइगर से लड़ने आते हैं। हाँ, पाकिस्तान में HF डिलक्स लेके फाइट हो रही है। और फिर वही टिपिकल स्पाई मूवी वाला सीन, ISI खुद के PM को मारना चाहते हैं, और फिर इंजाम लगेगा रॉ पे, और रॉ उस PM को बचा लेते हैं, और फिर लर्न जैसे दिखने वाले पत्थरों के आगे गाना बजता है, और फिर एंड में हॉकआई की कॉपी करते हुए ऋतिक रोशन का कैमियो आता है, और फिर ख़त्म मूवी। बस वीडियो भी ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और नीचे कमेंट में बताओ आपने टाइगर 3 देखी कि नहीं। बुरी भी नहीं है वैसे, ठीक है।